बॉक्स की हालत तो बहुत ही खराब आई है, देखने को तो भाई सेक्सी लग रहा है एकदम। ये देखो तो इसका प्राइस भी सुन लो कितना है, मेरे को ये पड़ा है 50। तो भाई स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। तुम्हारे भाई ने तुम्हें विंटर के लिए हुडी बता दी कैसी लेनी चाहिए, जैकेट बता दी कैसी लेनी चाहिए, लेकिन अब रह गए हैं शूज। शूज नहीं बताए मैंने कौन से लेने चाहिए विंटर में। अगर तुम अभी भी व्हाइट स्नीकर पहन रहे हो ना विंटर में, तो भाई उसे साइड रख दो, क्योंकि विंटर में सबसे ज्यादा डिमांड यही रहती है कि चेल्सी बूट, चेल्सी बूट। और इसका प्राइस सुन लोगे ना तुम, पूरा 1000 रुपए का भी नहीं है भाई, 1000 रुपए के अंदर का है। इसका प्राइस सुनना है तो लास्ट तक देखना वीडियो, ठीक है? और वीडियो को स्टार्ट करते फटाफट से। तो चलो भाई वीडियो को करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। और ये देख लो सालो, ये मैंने नहीं खोला, ये डिलीवरी बॉय ने खोला था। पता नहीं यार 1000 रुपए में ओपन बॉक्स डिलीवरी आई थी तो इसलिए ओपन करना पड़ा। और हाँ, मैंने उस टाइम आंखें बंद कर ली थी अपनी, सच्ची बता रहा हूँ मैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बॉक्स की हालत तो बहुत ही खराब आई है, देखने से ही पता लग रहा है भाई। ओहो, पूरा गंदा हो गया कपड़े कपड़े सब। ये देख सकते हो बॉक्स की हालत तो ऐसी आई है, कुछ कहने लायक ही नहीं है, दिख ही रहा होगा तुम्हें। बॉक्स छोड़ो, अंदर का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बस हमें उससे लेना देना है। शूज देखते हैं। ओए होए होए, शूज तो भाई सेक्सी लग रहा है एकदम। ये देखो, ये देख रहे हो। तो भाई बात करें पर्टिकुलर शूज की, तो देख सकते हो इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक लेदर दे रखा है। प्योर लेदर तो कौन ही देगा यार 1000 रुपए के अंदर। बट इसकी स्टिचिंग देखो कितनी सही लग रही है भाई, एक नंबर लग रही है, कोई भी इधर उधर नहीं है, नीट एंड क्लीन। ऐसा शूज ना बहुत सही लग। और भाई देख सकते हो एंकल के पास ना इलास्टिक दे रखा है, ताकि तुम्हारा पैर आराम से अंदर जा सके। और 1000 रुपए के हिसाब से ना इसकी क्वालिटी भी भाई एक नंबर है, मेरे को तो बहुत सही लगी। और वही देख सकते हो यार एक पुलिंग टैब भी दे रखा है, जो तुम उंगली डाल के अंगूठा डाल के ये पहनते हो ना शूज को, और वो पीछे का हिस्सा खराब कर देता है शूज का, तो तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा। ये पुलिंग टैब पकड़ो और पैर डालो, शूज पहन लो। तो भाई कोई भी शूज लेते हुए ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसके अंदर की कुछ नहीं, क्योंकि हमें वो शूज पूरे दिन पहनना पड़ता है। कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो पूरे दिन पहनना पड़ता है हमें। उसकी कुशनिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करना। और नो डाउट इसकी कुशनिंग एक नंबर है भाई, 1000 रुपए के हिसाब से मैंने सोचा नहीं था ऐसी आएगी, बट एकदम मस्त कुशनिंग है भाई, तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। तो भाई अब बात करते हैं सोल की क्वालिटी की। भाई नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड मजबूत भी है, लंबे टाइम तक चल जाएगी। और हाँ एक फायदा और है छोटी हाइट वालों के लिए, भाई तुम्हें ना ये थोड़ा लंबा दिखाएगी, थोड़ा 1-2 इंच बड़ा दिखाएगी। और यार एक इल्यूजन ही क्रिएट होता है चेल्सी बूट में ना, तुम्हें थोड़ा वो बड़ा दिखाती दिखाती है। तो भाई मैंने इस शूज की तुम्हें सारी अच्छी चीजें बता दी, अब ड्रॉबैक भी सुन लो कि क्या बुरी चीज है इसमें। तो भाई देख सकते हो ये जो लेदर चिपका हुआ है ना सोल से, वो ग्लू से चिपका हुआ है। अगर इसके बदले स्टिचिंग होती ना, तो भाई बहुत लंबा चलता है शूज। अभी क्या है, अगर तुम ज्यादा एक्टिविटी करोगे ना, इधर उधर क्या कूदोगे फांदोगे, तो भाई ये जल्दी फट जाएगा। और तुम वो केयर करके चलोगे तो चल जाएगा अच्छा खासा। और भाई एक और चीज, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में गर्मियां आई जाती है, 3 महीने के हिसाब से लेके चलो ठीक है, तो वर्थ इट है भाई, इतना शूज तो चल ही जाएगा। ये 3 महीने में ही थोड़ी ना तुम फाड़ दोगे इसे। तो भाई जब मैंने इतना बता दिया इसके बारे में, तो ट्राई करके भी देख ही लेते हैं फिटिंग कैसी आ रही है, कंफर्टेबल है या नहीं, तो चलो इसे ट्राई करते हैं जल्दी। तो भाई देख सकते हो चेल्सी बूट की फिटिंग कैसी आ रही है, मैंने जो साइज वेयर करा हुआ है वो 10 साइज है, एंड कंफर्टेबल की तो क्या ही बात करूँ यार, बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। 1000 रुपये में मैंने सोचा नहीं था इतना कंफर्टेबल मिलेगा भाई, आँख बंद करके ले सकते हो, तुम्हें ऐसी वैसी चीज़ में रिकमेंड करूँगा भी नहीं। और इससे पहन के ना मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई भाई, ऐसा फील होता है कि हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, तो अब छोटी हाइट वालों के लिए भी बहुत सही है। और देख ही सकते हो यार, बाकी तो क्वालिटी मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया इसके बारे में। तो भाई अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका प्राइस भी सुन लो कितना है, मेरे को ये पड़ा है 950 रुपये का। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से तुम चेक कर सकते हो। भाई प्राइस ना थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें आके मेरे को मत बोलना ठीक है, इतना तुम्हें भी पता है। तो भाई मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को वर्थ इट लगा भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही तो चलाना है, 1000 रुपये में और क्या बच्चे की जान लोगे, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से लेना हो तो ले सकते हो ठीक है। तो भाई ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और तुम्हारा कोई डाउट हो क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना नोटिफिकेशन के लिए ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।